प्रयागराज शहर जिसे कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जहां पर माफिया अतीक का सिक्का चलता था। माफिया अतीक का खौफ ऐसा था कि लोग नाम लेने से भी थर्रा उठते थे। प्रयागराज के थाने तक माफिया के एक फोन पर हिल जाया करते थे, जिसमें धूमनगंज थाना भी एक था, जहां पर माफिया अतीक का एक फोन आने पर खाकी का भी पसीना छूट जाता था। कुल मिलाकर कहें तो बस माफिया अतीक का नाम ही काफी था। एक समय ऐसा था कि माफिया अतीक के इलाहाबाद शहर क्या पूरे प्रदेश में तूती बोला करती थी, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के आते ही समय ने ऐसा करवट बदला कि जो माफिया लोगों की जिंदगी में ग्रहण बन जाया करता था, उसी पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। सीएम योगी ने माफिया अतीक को मिट्टी में मिला दिया है, और जिस धूमनगंज थाने में माफिया की तूती बोलती थी, आज माफिया अतीक उसी धूमनगंज थाने में किसी आम अपराधी की तरह चक्कर लगा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माफिया के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। फर्क बस इतना है कि जो खाकी पहले इस माफिया के सामने नतमस्तक हुआ करती थी, आज वही खाकी माफिया अतीक को घसीटते हुए ले जा रही है। आम अपराधी की तरह माफिया अतीक इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सालों पुराने गुनाहों का हिसाब अब हो रहा है। बेटे के एनकाउंटर के बाद माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हेकड़ी निकल गई है। बेटे असद की मौत से माफिया अतीक पूरी तरह से हिला हुआ है, तो दूसरी ओर अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ही ले लिया। सुनिए अशरफ ने क्या कहा। कुछ तो बोलो बेटा।